हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। प्रीवियस डिस्कशन में मैंने बात करी थी रैमापिथेकस के बारे में, जिसमें वेरियस फाइंड आउट्स थे कि रैमापिथेकस के कौन कौन से फॉसिल्स डिस्कवर किए गए, क्यों ये रैमापिथेकस में कंसिडर किया जाता है, मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी के बेसिस पे इसे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, और रैमापिथेकस के साथ साथ सिवेपिथेकस फॉसिल्स भी फाइंड आउट किए गए। ठीक है, तो बाद में पाया गया नहीं, ये तो ये डाइमॉर्फिक है, एक सिवेपिथेकस है, एक रैमापिथेकस है, हो सकता है सिवेपिथेकस मेल है और रैमापिथेकस फीमेल है, सम बुक्स मेंशन दिस। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एज नेम सजेस्ट, ऑस्ट्रेलो यानी साउथ, पिथेकस एज यू ऑल नो कि एप्स होता है, पिथेकस मतलब एप, ऑस्ट्रेलो मतलब साउथ, यानी सच अ फॉसिल्स विच आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो साउथ में क्या आएगा? अफ्रीका, मोस्ट स्पेसिफिकली इन ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, राइट? तो अभी मेरे साथ साथ लिखते रहिए या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड 3.77 मिलियन ईयर्स टू 9.0 मिलियन ईयर्स एगो। सी द रेंज, 3.77 मिलियन ईयर्स टू 9.0 मिलियन ईयर्स एगो ये रहा करते थे। ठीक है, तो कितने लंबे समय तक ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस वहाँ पर सर्वाइव किए, दैट इज़ अमेजिंग। एट प्रेजेंट, आज के टाइम में देर आर, जब सारे बहुत सारे फॉसिल्स डिस्कवर किए गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के इस टाइम पीरियड के टाइम, 3.77 डेटिंग किया गया तो पाया गया इस टाइम पीरियड पे ये प्रिवेल थे और बहुत सारे थे। तो इन्हें सारा कुछ फॉसिल इकट्ठा करने के बाद और उन्हें स्टडी करने के बाद, उनकी डेटिंग करने के बाद पाया गया कि देयर आर अ नंबर ऑफ स्पीसीज, देयर आर अ नंबर ऑफ स्पीसीज यूजुअली कैटेगराइज्ड इन टू टाइप। फर्स्ट टू टाइप या फॉर्म, फर्स्ट ग्रेसाइल फॉर्म, सेकेंड रोबस्टस फॉर्म। फर्स्ट ग्रेसाइल फॉर्म, GRACILE, ग्रेसाइल फॉर्म यानी कैटेगरी। रोबस्टस, RUBUSTUS, रोबस्टस फॉर्म। अब मैं बताती हूँ ग्रेसाइल फॉर्म। ग्रेसाइल मतलब सॉफ्ट, स्मूथ, चिकना सा कुछ। ठीक है, रोबस्टस यानी खुरदुरा सा, मोटा सा, हैवी सा, जाइंट सा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ग्रेसाइल फॉर्म में देखा गया तो इसे ग्रुप बना दिया गया, उसमें आ गया एस्ट्रोलोपेथेकस एफ्रिकेनस एंड ऑस्ट्रोलोपेथेकस एफ्रेंसिस। देर आर टू स्पीसीज इन द ग्रेसाइल फॉर्म, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेनस, ध्यान से सुनिएगा और इसे कई बार सुनिएगा। ठीक है, सुनकर फिर अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, वैसे मेरे मैंने अपने नोट्स बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बना रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ, और इससे ज़्यादा न जानने की ज़रूरत है न लिखने की ज़रूरत है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब अगर आप आगे चल के साइंटिस्ट बनते हैं, अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे PhD कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे रिसर्च कर रहे हैं, देन यू हैव टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस, द रिसेंट डिस्कवरीज, द रिसेंट थियरीज। ठीक है, वेल नाउ फॉर नाउ ये दैट इज इनफ है, अभी जो मैं बता रही हूँ इससे बाहर का कुछ नहीं है। तो द ग्रेसाइल फॉर्म की बात की जाए तो देर आर टू स्पीसीज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेनस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। ठीक है, दूसरे कैटेगरी में रखा गया यानी रोबस्टस फॉर्म में ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस रखा गया, और एक दूसरा स्पीसीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी, या इसे हम कह सकते हैं सुपर रोबस्ट। क्या कहते हैं? सुपर रोबस्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस एंड द सेकेंड वन ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी और सुपर रोबस्ट। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सी बात, यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में लिखा है जिसे जान लेते हैं।
प्रोबेबली ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड जीनस होमो शेयर कॉमन एंसेस्टर बिकॉज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो लिव इन दिस वर्ल्ड इन सेम पीरियड ऑफ टाइम राइट सो दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज ट्रूली क्लियर दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होमिनिडी एंड बायपेडल फूट प्रिंट ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस होम फ्रॉम द एसेज ऑफ ओल्केनिक इरप्शन डिस्कवर्ड फ्रॉम लैचियोली फ्रॉम अफ्रीका ठीक है तो जो ये बाई फुटप्रिंट्स पाए गए दैट इज क्लियरली सो कि दे वेयर बायपेडल ठीक है अच्छा ये याद रखिएगा कि कहाँ से मिला इट इज़ डिस्कवर्ड फ्रॉम लैटियोली एक जगह है जो अफ्रीका में है ठीक है अब यहाँ मैंने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ से डिस्कवरी हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तो ये है अफ्रीका का मैप जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका ओमो हदार लेक टर्काना लेक नाट्रान ओल्डवाई लैटियोली ईस्ट अफ्रीका के पार्ट हैं ये यानी ओमो से डिस्कवर किया गया हदार ये अक्सर पूछ लेते हैं तो आपको एक बार देखना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स कहाँ कहाँ से डिस्कवर किए गए जिसमें से ईस्ट अफ्रीका में है ओमो हदार लेक टर्काना लेक नाट्रान ओल्डवाई लैटियोली राइट साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में ये पार्ट आ जाएगा राइट साउथ अफ्रीका में क्रोमडराई स्टिलफोंटेन स्वार्टक्रांस टोंग मकापांसघाट क्रोमडराई स्टिलफोंटेन स्वार्टक्रांस मकापांसघाट टोंग याद रखिएगा ये सारे प्लेसेस जहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल डिस्कवर किए गए तो ये इसको आप दो या तीन बार पढ़ लीजिएगा या खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा एक बार देख के और वीडियो में और फिर कोशिश करिएगा खुद से ड्रॉ करने से जिससे एकदम याद हो जाए कौन कौन से साइट थे ठीक है अक्सर पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और अगर डिस्क्रिप्टिव में आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में लिख रहे हैं और इस तरह से डायग्राम बना दिया तो आपको फुल मार्क्स तो बिल्कुल कोई नहीं छीन सकता ठीक है इतने जनरल फीचर्स क्या हैं तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात की जाए तो द क्रेनियल कैपेसिटी 440 सीसी से 530 सीसी ठीक है कई बार तो मे बी मोर देन 530 सीसी तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल्स तो इसलिए कहा जा सकता है लेकिन रेंज यही है 440 सीसी टू 530 सीसी बोन ऑफ ब्रेन केस आर थिन ब्रेन केस का यानी कैलकेवियम आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बात की थी तो बोन ऑफ ब्रेन केस आर थिन राइट क्रेस्ट क्रेस्ट यानी उभार क्रेस्ट मे बी फाउंड इन सम वैरायटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ठीक है नेजल बोन फ्लैटेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर नेजल बोन फ्लैटेंड चलो मैं दिखा देती हूँ ऑस्ट्रेलो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस ठीक है ये देखिए दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप देख रहे हैं दिस इज नेजल बोन दिस इज नेजल बोन ये एक्चुअली रिक्रिएट किया गया है आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमें फॉसिल्स मिल जाता है तो हम उसे कंप्यूटर से या ग्राफिक्स से हम रिक्रिएट कर सकते हैं कि वो अगर इस तरह होते अगर उसमें ऐसे लगाया जाए तो वो किस तरह बन जाते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से वो दिखते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस राइट यानी ग्रेसाइल फॉर्म का एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ इस तरह का रहा होगा आप देख रहे हैं नेजल बोन कितना फ्लैट है उभरा नहीं है लिटिल फीचर की बात की जाए तो बेल शेप्ड ऑसिपुट यानी जो पीछे का पार्ट ब्रेन का पार्ट होता है ऑसिपिटल बोन वो बेल शेप्ड का होगा व्हेन व्यूड फ्रॉम पीछे से जब हम देखेंगे तो वो लगेगा ऐसे कि कोई बेल शेप की बोन है ठीक है ऑसिपिटल बोन इसका कैसा होगा बेल शेप का मार्क्ड पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन यानी जो ऑर्बिटल बोन है उसके उसमें कंस्ट्रक्शन यानी एक व्हाट यू सेड कंस्ट्रक्शन को आप क्या कहेंगे एक जगह पे संकुचित हो जाते हैं वो एक छुर्री सी पाई जाती है वो बहुत ही विजिबल होती है ठीक है सेकंड नेक्स्ट है मॉडरेट टू लार्ज ब्राउ रिजेस ब्राउ रिजेस आपने अभी देखा कि थोड़े से मॉडरेट हैं या तो बड़े हैं ठीक है जाइगोमेटिक आर्च फ्लेयर है इम्पॉर्टेंट है जाइगो फ्लेयरिंग ऑफ जाइगोमेटिक आर्च फेसियल
फेसियल स्केलेटन इज डिस्क शेप्ड एंड स्लाइटली लार्जर देन द ब्रेन केस, राइट। तो फेसियल स्केलेटन अभी आपने देखा था वो थोड़ा डिस्क शेप्ड है और उनका ब्रेन केस थोड़ा सा बड़ा है, राइट। फेसियल स्केलेटन इज डिस्क शेप्ड एंड इज स्लाइटली लार्जर देन द ब्रेन केस। तो आपने देखा था कि फेसियल स्केलेटन इनका थोड़ा सा ब्रेन केस से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट में लिख रखा है कि किस किस लोकेशन से क्या क्या 1924 में टांग लोकेशन से रेमन डार्ट ने डिस्कवर किया। आपने देखा था टांग कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। इसमें कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट स्कल मिला था, मैंडिबल ऑफ चाइल्ड। प्रीवियसली थॉट कि ये तो चिंपैंजी से बिलोंग करता है, लेकिन बाद में फिर और स्टडी की गई उसकी तो पाया गया नहीं यार ये तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, ठीक है। देन स्टेप फाउंटेन से स्वाट क्रांस, क्रोमडराई, ओल्ड वाइगोर्ज, मकापांस काट, लेक टर्काना, ओमो, हदार, लेटियोली। लेटियोली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें वोल्केनिक ऐश में हमें बाइपेडल लोकोमोशन का फुटप्रिंट मिला, ठीक है। तो आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट लेके अपने रख सकते हैं अपने पास, या तो फिर किसी भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं कि कब कब इसकी डिस्कवरी हुई, क्या क्या है, ठीक है। तो इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ कई बार पूछ लेता है स्वार्ट क्रांस से क्या मिला था और उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या पार्ट मिला और उसे क्या नाम दिया गया। जैसे स्वार्ट क्रांस स्कल, जॉ, टीथ, पोस्ट क्रेनियल बोन मिले थे और इन्हें सबसे पहले पैरेंथ्रोपस रोबस्टस बोला गया था, ठीक है। तो चलो इतनी सारी डिस्कवरी हो गई, इतने सारे फॉसिल्स मिल गए, ठीक है। पुरानी बुक्स में देखेंगे तो अभी भी ये वर्ड्स कई बार आ जाते हैं, प्रोमेथस, जिंजेंथ्रोपस ब्रोसी, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेजो फ्रंटल सूचर इज वी शेप्ड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नेजो फ्रंटल सूचर इज वी शेप्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ट्राई टू इनकल्केट दैट पर्टिकुलर फीचर विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू दैट स्पीसीज, ठीक है, जो उसे बाकी स्पीसीज से अलग बनाती है। कभी भी ओवरलैप करके कैरेक्टरिस्टिक मत लिखिए, ये मत जानिए। जैसे कि रेमोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नियंडरथल, दे हैव सर्टन डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स देम नियंडरथल, विच मेक्स देम रेमोपिथेकस, विच मेक्स देम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सो डोंट ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है। अगर आपने उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर ही केवल चार कैरेक्टर लिख दिए दैट मेक्स देम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कि केवल ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही ये कैरेक्टरिस्टिक हैं इसीलिए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, देन यू विल गेट द टोटल मार्क्स, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जिसमें टेंथ या अगला कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। नेजो फ्रंटल सूचर इज वी शेप्ड, चिन नहीं था, जॉ लार्ज था, इंसाइजर स्मॉल इंसाइजर एंड कैनाइन विथ कंपेरेटिवली लार्ज मोलर एंड प्रीमोलर, इंपॉर्टेंट है। इंसाइजर और कैनाइन स्मॉलर थे, लेकिन किसके कंपेरिजन में, मोलर एंड प्रीमोलर के। तो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब कुछ अदर स्पीसीज की भी बात कर लेते हैं, कई बार पूछ लेता है सम अदर स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर्डिपिथेकस रेमाइडस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस गढ़ी, दिस इज ऑल्सो स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, और जिसमें था हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रीकनस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस। तो एक इंडिविजुअल भी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं कि वाई दे आर कैटेगराइज्ड इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रीकनस की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से पाए गए थे ये स्पीसीज के फॉसिल, तो साइट था स्टर्कफॉन्टेन, टंग एंड मकापांस घाट, यहाँ से पाए गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रीकनस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ब्रेन केस रफली स्फेरिकल इन शेप विद द बेस फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द क्रेनियम, ब्रेन केस रफली स्फेरिकल इन शेप विद द बेस फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी आपने देखा 450 to 500 cc, ठीक है। मैस्टॉइड प्रोसेस इज बेटर डिफाइंड, मैस्टॉइड प्रोसेस याद होगा आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में जब हमें थोड़ा सा स्केलेटन फीचर की बात कर रहे थे, क्रेनियल फीचर, तो उसमें मैंने बताया था व्हाट इज मैस्टॉइड प्रोसेस।
तो मेस्टॉइड प्रोसेस बहुत डिफाइंड होता है, इसमें सेजाइटल क्रेस्ट एब्सेंट होता है, डेट इज इम्पॉर्टेंट, सेजाइटल क्रेस्ट एब्सेंट, सेजाइटल बोन में सेजाइटल क्रेस्ट होगा जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेनस में एब्सेंट होगा। ये है, ये दिख रहा है, दिस इज द सेजाइटल क्रेस्ट। तो ये जब ऊपर से हम देखते हैं तो एक क्रेस्ट, एक उभार पाया जाता है जिसे हम सेजाइटल क्रेस्ट कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेनस में टोटली एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोरम एंड मैग्नम इज सिचुएटेड नियर टू द सेंटर ऑफ द स्कल बेस। फोरम एंड मैग्नम इज सिचुएटेड नियर टू द सेंटर ऑफ द स्कल बेस। तो आपको समझ आ रहा है, जैसे ये सेंटर की तरफ हो रहा है, सेंटर सेंट्रली प्लेस नहीं है, नियर टू द सेंटर है, ठीक है। यानी अभी भी फेस थोड़ा थोड़ा हैंगिंग है। टीथ लाई इन मोर राउंडेड आर्केड रेदर देन यू शेप। टीथ लाई इन मोर राउंडेड आर्केड रेदर देन यू यू शेप। यू यानी होमोसेपियंस में कैसा है, यू शेप है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड हो रहा है। इंसाइजर्स आर वर्टिकली इम्प्लांटेड एंड कैनाइंस आर स्मॉल एंड डू नॉट प्रोजेक्ट अबव द ऑक्लूजल लेवल। इंसाइजर्स आर वर्टिकली इम्प्लांटेड, राइट, एंड कैनाइंस आर स्मॉल एंड डू नॉट प्रोजेक्ट अबव द ऑक्लूजल लेवल, ठीक है। प्री मोलर टीथ आर बाइकस्पिड एंड द एंटीरियर लोअर प्री मोलर डू नॉट फॉर्म शेयरिंग यूनिट विथ अपर कैनाइन। प्री मोलर टीथ क्या है, बाइकस्पिड है, एंड एंटीरियर लोअर प्री मोलर डू नॉट फॉर्म शेयरिंग यूनिट विद द अपर कैनाइन, राइट। पोस्ट क्रेनियल रिमेन्स आर फ्यूअर इन नंबर, प्रिजर्व पार्सियल स्केलेटन विच इंक्लूड पेल्विस रिब्स वर्टिब्रे एंड फीमर, ठीक है। देख रहे हैं जो भी ज़्यादातर फॉसिल्स मिले हैं वो क्रेनियल बोन के मिले हैं। नीचे के फॉसिल्स थोड़े से कम हैं, बहुत थोड़े थोड़े मिले हैं टूटे फूटे से, जिसमें पेल्विक गर्डल का है थोड़ा सा पार्ट, रिब्स का है, वर्टिब्रे है, फीमर का भी थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द लोअर लिम्स, अगर इससे किया जाए तो लोअर लिम्स रिमेन्स आर बैडली अफेक्टेड बाई प्लास्टिक डिफॉर्मिटी यानी फ्लेक्सीबिलिटी, ठीक है। लोअर लिम्स के जो रिमेन्स मिले हैं वो बहुत बैडली अफेक्टेड बाई प्लास्टिक डिफॉर्मिटी, उनकी फ्लेक्सीबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज थी। फोर लिम रिमेन्स आर फ्यू एंड गिव्स लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनिपुलेटिव एक्टिविटी। तो आगे का हाथ का कोई रिमेन्स नहीं मिल पाया है जिससे उनके मैनिपुलेटिव एबिलिटी की ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रिकेनस। एफ्रेंसिस की बात कर लेते हैं, तो ये इसका साइट है लैटियोली तंजानिया। एक्चुअली यही इसी फॉसिल के मुझे हमें पाए गए फुटप्रिंट्स पाए गए जिससे हमें पता चला कि दे वेयर बाइपेड्स, ठीक है। नहीं तो हम भी अभी तक कंसीडर करते थे, नहीं नहीं अभी तक बाइपेडलिज्म शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफ्रेंसिस की जब खोज की गई इस साइट पे जो फॉसिल मिला तंजानिया के लैटियोली में, तो पाया गया कि नहीं ये बाइपेडल होमिनिड थे। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ऑल द रिमेन्स कंसिस्टेड लार्जली ऑफ टीथ एंड जॉ, देर इज नो क्वेश्चन दैट लैटियोली होमिनिड्स वेयर बाइपेड बिकॉज इट वॉज एट लैटियोली साइड दैट द ट्रेल ऑफ फुटप्रिंट्स वेयर फाउंड, ठीक है। एफ्रेंसिस वॉज ए स्मॉल होमिनिड, इनका देखिए साइज थोड़ा सा छोटा होता चला गया, बट लाइक मोस्ट ऑफ द लिविंग ग्रेट एप्स वॉज सेक्सुअली डायमॉर्फिक, ठीक है। जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक हैं, तो इसी तरह ये भी डायमॉर्फिक थे, मेल फीमेल एनाटोमिकली डिफरेंट थे, ठीक है। टीथ वेयर लार्ज कंपेयर टू देयर बॉडी साइज हैड थिक मोलर इनेमल, इंपॉर्टेंट फीचर है। एफ्रेंसिस का टीथ जो है वो कंपेरेटिवली लार्ज था उनके बॉडी साइज से, उनका इनेमल भी बहुत ज़्यादा डेवलप था। एप लाइक कैनाइन था, कैनाइन एप लाइक था, प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द एडजेसेंट टीथ, प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द एडजेसेंट टीथ। आप टू द पॉइंट यही कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, कोशिश करिए दो या तीन बार पढ़ के इसे मेमोराइज कर लीजिए। एप लाइक कैनाइन प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द एडजेसेंट टीथ, क्रेनियम जट्स फॉरवर्ड, क्रेनियम क्या था थोड़ा सा उभरा हुआ था बिकॉज ऑफ द लार्ज टीथ एंड जॉ, एंड बेस ऑफ स्कल फ्लेयर्स आउट टू प्रोवाइड अटैचमेंट एरियाज फॉर लार्ज नेक मसल्स टू सपोर्ट द हैवी फेस। क्रेनियम जट फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज टीथ एंड जॉ, क्रेनियम जट्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द लार्ज टीथ एंड जॉ, बेस ऑफ स्कल फ्लेयर्स आउट टू प्रोवाइड अटैचमेंट एरियाज फॉर लार्ज नेक मसल्स टू सपोर्ट द हैवी फेस, ठीक है। कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो रिनियल कैपेसिटी 400 सीसी है। आर्म्स एंड लेग्स ऑफ एफ्रेंसिस वेयर अबाउट द सेम लेंथ,
आप देख रहे हैं आर्म्स एंड लेग्स ऑफ एफरेंसिस वेयर अबाउट द सेम लेंथ, पेल्विक वाइड है और फ्लेयरिंग है. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस. अब सेकेंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं रोबस्टस फॉर्म की, जिसमें आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस. इसके रिमेन्स पाए गए क्रोमडराई में, इसके फॉसिल्स पाए गए क्रोमडराई में. कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस जो था शेयर विद द ग्रेसाइल फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल न्यूरोक्रेनियम एंड वेल डेवलप्ड जॉ अपैरेटस. ठीक है, शेयर विद द ग्रेसाइल फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल न्यूरोक्रेनियम एंड वेल डेवलप्ड जॉ अपैरेटस. फेस इज ब्रॉड एंड फ्लैट, प्रेजेंस ऑफ न्यूकल क्रेस्ट, वेरी रोबस्ट मोलर, लार्ज पोस्टीरियर लोअर मोलर विद अ विद एन एडिशनल कस्प, सो इट लुक्स लाइक प्रीमोलर बट इट इज कॉड मोलराइज प्रीमोलर. अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये रोबस्ट फॉर्म में होंगे, मतलब थोड़े से हैवी होंगे. ठीक है, फेस देखिए आप, फेस इज ब्रॉड एंड फ्लैट, प्रेजेंस ऑफ न्यूकल क्रेस्ट. दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस. ठीक है, आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी मच रोबस्टस फॉर्म, वेरी रोबस्ट मोलर, लार्ज पोस्टीरियर लोअर मोलर विद एन एडिशनल कस्प. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मोलराइज प्री मोलर, यानी प्री मोलर बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप, इसमें एडिशनल कस्प होते हैं, एडिशनल कस्प हैं, इसका मतलब वो थोड़ा और मोलराइज हो गया है. ठीक है, जिसे नाम दे दिया गया मोलराइज प्री मोलर. ये कहाँ पाए गए, इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस में. तो दैट इज द, अच्छा मैंने यहाँ वही वही कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं जो सिर्फ इसी में पाए जाएंगे. ठीक है, तो एक भी कैरेक्टरिस्टिक प्लीज़ छोड़िएगा मत, सारे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर. देन एंटीरियर टीथ आर कंपेरेटिवली स्मॉलर देन ग्रेसाइल टीथ, एंटीरियर टीथ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन ग्रेसाइल टीथ. कैनाइन रिजेंबल मोर क्लोजर टू लेटर होमिनिड, कैनाइन रिजेंबल मोर क्लोजर टू लेटर होमिनिड. द मोलर बोन इज बट्रेस्ड एंड इज मार्क्ड बाय वेल डेवलप्ड क्रेस्ट फॉर्म एट द एज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द मस्टिकेटरी मसल्स. जो मोलर बोन था ना वो बहुत ज़्यादा बट्रेस्ड था, यानी बहुत ज़्यादा व्हाट इज इट, जैसे कि किसी पेड़ के तने पे जब हम कुल्हाड़ी मारते हैं और वो तना बहुत सख्त होता है तो कैसे हो जाता है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 कट मार्क्स डेवलप हो जाते हैं और बहुत सारे उसमें खुरदुरी सी एक जगह बन जाती है. तो वही बात है वेल्ड, और जो मार्क इसमें क्रेस्ट डेवलप हो जाता है, मैस्टिकेटरी मसल्स बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट लेता होगा, इससे पता चल रहा है बहुत ज़्यादा सॉलिड डाइट लेता था, इसलिए इनके मैस्टिकेटरी बोन्स बहुत डेवलप है, मैस्टिकेटरी मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं. ठीक है, तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस. दूसरा देख लेते हैं, जो सुपर रोबस्ट स्पीसीज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी, या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस सुपर रोबस्टस. ठीक है, ये पाए कहाँ गए, ओल्डवाई गॉर्ज से, ओल्डवाई गॉर्ज इन ओल्डवाई गॉर्ज से ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस पाए गए. देख रहे हैं ये देखिए, दिस इज सो ह्यूज काइंड ऑफ थिंग राइट. फॉसिल स्कल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी फ्रॉम फाउंड बाय लुइस एंड मार्क लीकी. ठीक है, देखो कितना ह्यूज फेस है ये, एंड टीथ सी रिलेटिवली सो शॉर्टर टीथ ना, कैनाइन इज ऑल्सो शॉर्टर, मोलर टीथ इज ऑल्सो शॉर्टर. अच्छा ये देखिए, सो बट्रेस्ड, सो मच बट्रेस्ड. ठीक है, चीक बोन ये है सजाइटल क्रेस्ट, सी कितना ज्यादा है. ठीक है, तो देखते हैं, मोस्ट रोबस्ट विथ हैवीएस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेनियम, वेरी प्रोनाउंस्ड एक्टोक्रेनियल स्ट्रक्चर एंड द डिग्री ऑफ नोमेस्टिकेशन, यानी बोन स्पंजियन
एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड सुप्रो ऑर्बिटल टोरस विद अ ट्विस्ट बिटवीन मीडियल एंड लैटरल कंपोनेंट, ए वेल डेवलप्ड सजाइटल क्रेस्ट। अच्छा ये क्या है सुप्रो ऑर्बिटल टोरस? आपको बताया था ऑर्बिटल बोन के जैसे दो ये ऐसे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मीडियल एंड लैटरल कंपोनेंट में ट्विस्ट डेवलप हो जाता है, वेल डेवलप सजाइटल क्रेस्ट आपने देखा बहुत ज़्यादा डेवलप है, प्री मोलर एंड मोलर एक्सट्रीमली लार्ज, मैक्सिलरी कैनाइन रिलेटिवली स्मॉल एंड हैंस नॉट इन हार्मनी विद द पोस्ट कैनाइन टीथ, दे डोंट हैव डायस्टिमा। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसके पहले वाले स्पीसीज में डायस्टिमा था, इवन एफ्रीकेनस में तो एक अरेंजमेंट में ही नहीं टीथ हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सुपर रोबस्टस, ठीक है। अब एक ट्री बना हुआ है यहाँ पर, अगर हम एक कॉमन एंसेस्टर को माने 6 मिलियन ईयर एगो एक कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। यहाँ पे फाइलोजेनिक टाइमलाइन एक डेवलप की गई है, इसे लिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स से जो पब्लिश हुआ था 5th of September 1995 में। इसमें एक प्रेज्यूम्ड कॉमन एंसेस्टर किया गया, तो देखा गया जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमाइडस हुआ होगा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनेमेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, ये लाइन एक इंडिविजुअल डेवलप कर गई और इन्होंने बना दिया मॉडर्न होमो, ठीक है। पहले फिर ये अराउंड 2 to 3 मिलियन ईयर एगो के बीच में होमो हैबिलिस डेवलप हुआ, देन इसके आगे 2 मिलियन ईयर्स के बाद इरेक्टस बन गए और यही आके सोमी सेपियंस और मॉडर्न एवन। यही एफरेंसिस से एक ब्रांच निकली जो 3 to 2 मिलियन ईयर के बीच में सर्वाइव की थी एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एथियोपिकस के नाम से। यही आगे चला एक रोबस्टस स्पीसीज बना था ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसी, और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रीकेनस, ठीक है, जो ईयर 3 to 2 मिलियन ईयर एगो बीच में सर्वाइव किए थे अलॉन्ग विथ होमोसैपियंस के, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, देन यही एफ्रीकेनस आगे चल के ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस बने थे और होमो इरेक्टस के साथ कंटेम्परेरी थे, और फिर होमो इरेक्टस आपको पता है आगे चल के होमो सेपियंस बन गए थे, और तो प्रेजेंट अफ्रीकन एप और मॉडर्न होमो कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है। ये पब्लिश हुआ था, ये सबसे रिसेंट मुझे मिला है जो मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके समझने के लिए था, इसे आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले एक प्रिज्यूम किया गया, आप अगर सर्च करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स का 5th September 1995 का, तो एक फाइलोजेनिक टाइमलाइन मिलेगी। ये किसी किसी बुक में भी अवेलेबल है, दे रखा है, जैसे हैवी लैंड अंबर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।